अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं लिवर के बारे में और लिवर की ब्लड सप्लाई, लिवर की लिम्फ ड्रेनेज और इसकी जो है ना वो वीनस ड्रेनेज के बारे में। ये आपके पास लिवर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके सारे व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ से जो चीज़ जो है ना वो रिक्वायर्ड है मैं वहाँ से आपको दिखाऊँगी। और ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये आपके पास लिवर का एंटीरियर व्यू है, ठीक है, दिस इज़ द एंटीरियर व्यू। उसके बाद ये लिवर का पोस्टीरियर व्यू है, जिसे हम विजिटल व्यू भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ द इन्फीरियर व्यू। ये तीन व्यूज़ मैंने कहा था मैं आपसे जो है ना वो हमने डिस्कस किए थे, मैंने कहा था डिटेल में मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी। तो ये आपके पास सबसे पहले इसका एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, जिसको विजिटल व्यू भी बोलते हैं, और ये इन्फीरियर व्यू है। ओके, ये तीन इसकी सर्फेसिस हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि हमने डिस्कस करना है इसका ब्लड सप्लाई, इसकी वीनस ड्रेनेज और इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, और ये जो ये सिक्रीट करती है बाइल सिक्रीशन, उसकी बाइल डक्ट हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी ब्लड सर्कुलेशन पे, यानी कि इसकी आर्टेरियल सप्लाई पे। आर्टेरियल सप्लाई के लिए मुझे इसकी जो ये वीनस ड्रेनेज है इसको हटाना पड़ना है, तो मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है, ताकि जो आर्टेरियल है वो आपको नज़र आ सके। ओके, ये दिस वन, ये जो मैंने येलो में किया है, ये हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है, और हेपेटिक आर्टरी आप देख रहे हैं कि हेपेटिक आर्टरी आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, वन लेफ्ट एंड वन राइट। हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी एंड राइट हेपेटिक आर्टरी, दो ब्रांचेज हो गई हेपेटिक आर्टरी की। हेपेटिक आर्टरी जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है, ये वाली जो येलो में इस टाइम आपको नज़र आ रही है, ये पोर्टा हेपेटस, दिस इज़ दी ओपनिंग गेटवे इनडोर एंड आउटडोर ऑफ द लिवर, विच इज़ कॉल्ड द पोर्टा हेपेटस एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। सो यहाँ पे पोर्टा हेपेटस से लिम्फेटिक जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है ये एंटर हो रही है, और इसकी लेफ्ट और राइट ब्रांच है। अब जो हेपेटिक आर्टरी है, ये हमने देखा था कि जो हमारी कॉलिक आर्टरी है उसकी ब्रांच है। ओके, उसमें हम जो एब्डोमिनल एओर्टा में हम इसकी सारी ब्रांचेस वैसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बात मेरा ख्याल है कि हमने डिस्कस की थी। एनी हाउ, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है जो एंटर होती है, और आगे ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट और राइट लोब्स के लिए। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब इसके वीनस ड्रेनेज पे। अब जो वीनस ड्रेनेज है इसका लिवर का, वीनस ड्रेनेज आप देख रहे होंगे, एक ये जो येलो में किया है मैंने, ये असल में आपके पास इन्फीरियर वेन का है, और ये जो अब येलो में किया है ये आपके पास पोर्टल वेन है। अब जो पोर्टल वेन है वो असल में इसकी वीनस ड्रेनेज है। पोर्टल वेन भी आगे से लेफ़्ट और राइट, राइट पोर्टल वेन और लेफ़्ट पोर्टल वेन, ये दोनों कंबाइन हो गए तो पोर्टल वेन बनती है। अब ये जो पोर्टल वेन है ये हमारे पास इन्फीरियर वेन कावा के अंदर ड्रेन करती है, इसलिए यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा हो, ये जो अब मैंने येलो में किया है, ये आपके पास जो है ना वो राइट पोर्टल वेन होगी, और यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट होगी, यहाँ पे ये राइट, ये लेफ़्ट राइट इस तरह से। तो ये दोनों जाके अल्टीमेटली इसके अंदर जो आपका इन्फीरियर वेना कावा है, दिस वन इन्फीरियर वेना कावा, इसके अंदर ड्रेन कर जाती है। पोर्टल वेन है, दिस इज़ पोर्टल वेन, जिसकी राइट और लेफ्ट ब्रांच, और वो अल्टीमेटली जाके बनाएंगी हेपेटिक, सॉरी ये हेपेटिक, हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन अल्टीमेटली ड्रेन कर जाएगी लेफ्ट और राइट हेपेटिक वेन, और ये अल्टीमेटली ड्रेन कर जाएगी हमारी इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब इसकी नर्व सप्लाई, हमारे पास सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्व सप्लाई होती है। अच्छा, मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें आ जाती हूँ, वो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आपको शायद इसकी ब्रांचेस भी नज़र आ रही हूँ, आर्टरी की और वेंस की भी, राइट। इसको ज़रा हम ख़त्म करते हैं और हम ऐसा करते हैं कि इसकी बाल उस पर आ जाते हैं, बाइल प्रोडक्शन जो इसकी है, बाइल डिडक्ट, इसके लिए मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, पोर्टल वेन को भी, इन्फीरियर वेना कावा को भी, और आर्टरीज़ को भी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि हमें जो है ना वो नज़र आ सके बाइल सेक्रीशन। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये एक, ये जो मैंने अब
अब जो मैंने येलो में करने लगी हूँ ना मैं, ये आपके पास है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी है, आप ऊपर से देख रहे होंगे कि आपके पास एक राइट और एक लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच है। हेपेटिक का आपके पास डक्ट की ब्रांचेस हैं राइट और लेफ्ट। ये यहाँ पे मैं इसको येलो करने की कोशिश कर रही हूँ, यस दिस वन, ये राइट हेपेटिक हेपेटिक डक्ट है और दूसरी जो है वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये दोनों कंबाइन होकर आपकी बनती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, और जो राइट और लेफ्ट बनी कॉमन बन गई। और कॉमन के बाद आप देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है, ये ग्रीन वाला जो है जो अभी येलो में किया है ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से जो आ रही है, ये जो मैंने येलो में किया है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट बाहर लेके आ रही है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। कुछ सिक्रीशंस होती हैं इसकी भी। सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ओपन होती है और ये आपके पास जो है ना वो ये आपकी बाइल डक्ट बन जाती है, ठीक है। अब ये बाइल डक्ट जो है ना वो आगे जाके ओपन करेगी यूटेरिनम के अंदर, वो किस पोर्शन में ओपन करेगी, कहाँ ओपन करेगी, उसको मैं आपको वैसे तो आपको मैंने समझाया था लेकिन मैं दोबारा आपको जो है वो अलग वीडियो में उसका सेंड करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको।